मौजूद उन वो दोनों आपस में झगड़ते रहते थे। उनके रोजाना के झगड़ों में देखकर गांव वाले परेशान होते थे। कभी अक्सर अक्सर बड़े बुजुर्गों ने उनकी सुलह सही करवाई, मगर फिर वो उस तरह हो जाते थे एक बार लल्लू की फसल तैयार खड़ी थी। लल्लू ने इस बार पहले से ज्यादा मेहनत की थी और लल्लू की फसल इस बार पहले से ज्यादा हुई थी। लल्लू ये देखकर बहुत खुश हो रहा था, ले मगर दूसरी तरफ फैजी ये देखकर बहुत परेशान था। लल्लू लेकिन मगर अचानक लल्लू के खेतों में आग लग गई। लल्लू की सारी तैयार फसल आग में जल गई। लल्लू ये देखकर बहुत परेशान हुआ, मगर दूसरी तरफ फैजी बहुत खुश हो रहा था। पूरा गांव सुधा था, मगर फैजी बहुत खुश था। एक दिन अचानक आसमान में काले बादल आ गए। फैजी ने अपने पूरे दिन के बनाए हुए मिट्टी के बर्तन धूप में सूखने के लिए रखे हुए थे, मगर बारिश इतनी आनन-फानन आई कि फैजी को अपने मिट्टी के बर्तन उठाने की मोहलत तक न मिली और उससे उसके सारे मिट्टी के बर्तन पानी में भीग कर खराब हो गए। लल्लू यह सुनकर बहुत खुश हुआ और मन ही मन में सोचने लग पड़ा कि अच्छा हुआ, इसने भी मेरा बुरा सोचा था, चलो अल्लाह ने हिसाब बराबर कर दिया। बारिश 3 दिन तक लगातार बरसती रही। उसकी वजह से नदी नालों में पानी जमा होना शुरू हो गया और दरिया में सैलाब आ गया। उसकी वजह से पूरे गांव वाले मुश्किल में फंस गए और कुछ लोग मकसूम मकामात पर मुंतकिल हो गए और लोगों के घरों में पानी जमा होना शुरू हो गया। लल्लू का घर 2 मंजिला और ऊंचा था, मगर फैजी का घर 1 मंजिला और नीचा था। और फैजी के घर में पानी जमा हो गया। फैजी अपने बच्चों को लेकर अपने घर की छत पर चला गया और दूसरी तरफ लल्लू भी अपने घर की दूसरी बिल्डिंग से फैजी की तरफ देख रहा था। लल्लू के हाथ में एक चाय का कप था। लल्लू एक नजर गुरूर से फैजी की तरफ देखता तो एक बार चाय पीता। लल्लू के दूसरे हाथ में रेडियो था। लल्लू ने जैसे ही रेडियो ऑन किया तो रेडियो में कुरान मजीद की सूरतुल हदीद की आयत नंबर 23 का तर्जमा सुनाई दिया। इसका मफहूम ये है कि अल्लाह ताला किसी से भी बिगाड़ने वाले का दोस्त नहीं रखता। लल्लू यह सुनकर सोचने लग पड़ा तो अचानक लल्लू और फैजी की सैलाब के पानी में तैरती टोकरी की तरफ नजर पड़ी, जिसके अंदर सांप और परिंदे थे। वो मुश्किल वक्त में इकट्ठे सफर कर रहे थे। ये देखने के बाद लल्लू फैजी के घर की छत पर चला गया और फैजी से माफी मांगी और फैजी और उसके बच्चों को अपने घर ले आया। इसके साथ ही उनकी सारी नफरत मोहब्बत में बदल गई और अब दूर दूर के गांवों में उनकी दोस्ती की मिसालें दी जाती हैं। कहानी खत्म करने के बाद मैं अपने ऑडियंस से कुछ सवाल पूछ करता हूँ। नंबर 1, इस कहानी को किस प्रोफेसर ने लिखा था? नंबर 2, इस कहानी में लल्लू का क्या किरदार था? रेडियो में कौन सी सूरत की आयत का मफहूम बयान किया गया? सवाल नंबर 4, इस कहानी में किसका मकान छोटा था? आखिरी और सवाल नंबर 5, लल्लू की कुर्बानी की वजह से माशरे में क्या तब्दीली है? अगर मेरी कहानी अच्छी है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें।